प्रदर्शन को चक्का जाम को लोग भी समर्थन दे रहे हैं। एक है, अभी अभी शादी के लिए सामान खरीद कर जा रहे थे अपने गांव, उन्होंने भी अपनी गाड़ी खड़ी करके लड़की के लिए सामान लेकर उसके ससुराल पक्ष में ससुराल जा रहे थे। वे भी किसानों को समर्थन अपनी गाड़ी खड़ी करके किसानों के धरने में आकर बैठ गए हैं, समर्थन लेके बैठ चुके हैं। हम उनसे आपको बात करवाएंगे। देखिए, हम बात कराएंगे जहाँ किसानों पर लड़की की शादी के लिए सामान ले जा रहे कुछ व्यक्ति थे जो किसानों को धरना प्रदर्शन देते हुए आगे सामने। क्या नाम है तुम्हारा? नाम हरिओम राणा है जी। हरिओम जी, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? सर मेरा नाम बड़गांव है जी, गांव का नाम। जा कहाँ रहे हो? हमें जाना है सर इधर घरोंडा रायपुरा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप लड़की का सामान ससुराल पक्ष में लेके जा रहे थे, किसानों को धरना प्रदर्शन से आपको समर्थन दिया आप लोगों ने? नहीं सर, किसान यूनियन जिंदाबाद पूरा समर्थन है सर। हम निकल जाते हैं लेकिन भाई सब बैठे हैं यहाँ, तो इनकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा यहाँ, क्योंकि हम भी किसान है। किसान हो, शादी का, लड़की के शादी का जो सामान है वो बाद में चला जाएगा? वो सर ऐसा है, थोड़ा लेट चला जाएगा, 3 बजे तक पहुँचा देंगे। 3 बजे सब भाई अपने हट जाएंगे यहाँ से। तो आपको आपके परिवार वाले से, किसान जो आपके ससुराल पक्ष है, उनके रिश्तेदार से आपसे बात हुई है? हाँ सर, सबसे बात होगी, सबने कहा कोई मतलब ऐसी टेंशन नहीं है, आराम से आ जाना। सामान करो, सामान कहाँ खड़ा हुआ है? सामान सर हमारा इधर ही खड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रक है एक, उसमें सब सामान है हमारा। इनको चेक भी करा दिया हमने। अच्छा, आपका नाम बता दे। मेरा नाम हरिओम है जी, गांव बड़गांव, जिला सहारनपुर। अच्छा, कितने लोग शामिल हो आप जो आए हो? हम सर 4-5 जने हैं, 5 जने हैं सर। ये थे हरिओम जी, जो शादी के लिए जा रहे थे अपनी बहन का शादी का, लड़की का शादी का सामान लेकर के अपने ससुराल पक्ष में जा रहे थे लड़की के, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन देख के ये भी किसान के धरने में अपना सामान की गाड़ी खड़ी करके किसान के धरने में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से लोग बाग ज्यादा कर, मैं कैमरा मैन से कहूँगा भीड़ दिखाएं एक बार कितनी इकट्ठी है, किसान जमा हुए हैं और लगातार किसान के साथ व्यापारी भी सब धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जो आने वाले हैं शादी ब्याह शादी को रोककर। हमने एक वीडियो देखी थी, दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लड़की की सगाई हुई लेकिन वह सगाई लड़की की घर पे हुई और किसान में उसके माँ बाप भाई उसके सब धरने में मौजूद थे। ऐसी लाइव तस्वीरें आपको बार बार दिखाते रहेंगे यूपी खबर पर, लगातार वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, पार्ट 2 में अपडेट दे रहे हैं। किसानों का भीड़ ज्यादा हो चुकी है, एक ये भी लड़के आए थे कुछ जो शादी में ससुराल पक्ष में जा रहे थे। लगातार आप अपडेट देख रही है, मेरे साथ बने रहिए यूपी खबर पर। लाइक और शेयर ज्यादा करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान एकता, किसान एकता, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो इन किसान भाइयों से हमारे पास 100-100 के जी 500-500 के नोट जो आए हैं, जो यहाँ गुरु का लंगर जागा चल रहा है, ये माया सारी उसमें जथे के तरफ से दी जाती है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा भाई, किसान अब जाग जाओ, अब सोने का टाइम नहीं, क्योंकि अगर जागोगे तो कुछ हासिल करोगे, अगर ना जागोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। क्योंकि अगर सरकार हमारी जो आज 8 तारीख का चक्का जाम हिंदुस्तान का है, इससे कुछ शर्माती है, कुछ उसके दिमाग में कुछ बात आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर उसके बाद सभी किसान मजदूर सब करके दिल्ली कूच करो। क्योंकि ये ना समझो कि आज किसान मर रहा है, यो कहाँ है? आज किसान का अगर फैसला नहीं होता और किसान की फसल कल को, इससे पहले कहाँ है, अगर अडानी अंबानी खरीदते हैं और खरीद कर अपना गोदाम भरते हैं, अगर आज हमारा हाजी मास्टर ऊद भरते, कभी समा था इनके पास से हमने कुछ विद्या भी हासिल करी, कुछ समाज हम इनके पास पढ़ते रहे अफगानगर स्कूल में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आज हमारी चीज अंबानी अडानी देखिए, किसान यूनियन की तरफ से, किसानों की तरफ से एम्बुलेंस को इमरजेंसी में दिया जाने दिए जा रहे हैं, जो एम्बुलेंस है वो लगातार जा रही है, एम्बुलेंस पे कोई रोक नहीं है। और दोस्तों,
लेकिन आने आने वाली गाड़ियों को लगातार रोका जा रहा है, एम्बुलेंस को कोई रुकावट नहीं है। कुछ ट्रैक्टर ट्राली से रास्ता बंद कर दिया गया आवे करनाल मेरा रोड पर। लाइव तस्वीरें बिडोली से देख रहे हैं या इस पे बहुत किसान पे आफत है, आग भी लग सकती है, तो उनके बचाव के लिए किसान अपनी फसल जो है एक साल के छह महीने के लिए जरूर रख लेता है। और रही दूसरी बात, मजदूर जो शहर में रहने वाले लाले लोग बड़े बड़े वो क्या करते हैं, महीने का दो महीने का या दस दिन का या सात साल खरीदते हैं और उसको अपना भोजन। धरने में बच्चे भी शामिल हैं, अपने बच्चों को अपने किसान यूनियन का झंडा लेकर। अगर ऐसा ही हुआ, लाइव तस्वीर आप छोटे से बच्चे की देख रहे हैं जो किसान का झंडा लेकर के धरने प्रदर्शन में शामिल हुआ है। अगर उस टाइम तो जो दो अंबानी अडानी को जा रही है उनके हवाले करने जा रही है, हमारी 150 रुपए में हमने 10 रुपए की चीज बेची हुई। कौन था? अरे 150 रुपए में मेरी थी बोल। इसी करके किसान तो फिर भी नहीं मरेगा, पर इसमें गरीब जनता। लाइव तस्वीरें करनाल मेरठ रोड बिडोली की देख रहे हैं जहां पर चक्का जाम किसान लगातार किया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रोली से लगाकर रास्ता जाम किया हुआ है, किसी आने जाने वालों को नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया जाता है। किसानों के लिए लगातार चाय केले खाने पीने के लिए चीज भी आ रही है लगातार, चाय का उसमें इसको पाया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। पुलिस फोर्स भी भारी मात्रा में मौजूद है यहाँ पे, अपना मोर्चा संभाले हुए है। देखिए किसानों में इस तरह से ट्रक लगाकर भी जाम लगे, ट्रक खड़े हुए हैं रास्ते जाम की वजह से। बहुत बढ़िया कविता सुनाई। अभी अभी चोरी साहब का फोन आया, राकेश सिंह जी का, उन्होंने पूछा कैसा चल रहा धरना और उन्होंने आह्वान क्या किया इसका, धरना करने के बाद कल किसान ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर कूच करे दिल्ली बॉर्डर पे। किसानों को नई अपडेट आ गई कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेश ने अभी भी फोन पर वार्ता करते हुए बताया कि आज के धरने के बाद कल दिल्ली कूच करेगा किसान। सभी किसान धरने में ऐलान कर दिया गया कि सभी किसान ज्यादातर किसान दिल्ली कूच करेगा, जबकि लगातार वार्ता चल रही है किसानों सरकार के बीच में, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिस पर जिले में भर में पूरे भारत में चक्का जाम किया हुआ है किसानों ने। मेरा कहने का यही है मोदी साहब को ही, भाई ये जो बिल लिए है तुमने गलत है, किसान के हक में नहीं है। किसान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं है। किसान को खुश रखे देश खुश हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि भारत साला देश मिलेगा यारों शक्ल जहान में, प्यार मोहब्बत और मानवता यहाँ के हर इंसान में। और मत ललकारो इन शेरों को, ये आराम से सोए हैं, जाग उठे तो कतर मिचेगा पूरे हिंदुस्तान में। मोदी समझा कुछ नहीं रखा, किसान से विरोध होके कुछ नहीं कर पाएगा। वतन पे नाज है हमको, वतन के नाज है हम, और जो कभी ना मिट सके वो सरताज है हम। किसान से ही तेरा है, किसान से ही तू है। ये बिल वापिस ले ले, इसी में तेरी भलाई है। सीधी सीधी सी बात है, नहीं दिल्ली में आ लिए जो खाता रहा लिया उठ के दिल्ली नहीं, कल कल की बात है भाई। यही है बाड़ा कुआं भी छोटा, यही चीजें हैं, बाकी निर्वाल साहब समझा रहे तुम्हें। बहुत बढ़िया महनपाल भाई, अगले वक्त महपाल प्रधान जी नहीं नंगला आवे अपने विचार रखे, आ जाओ प्रधान जी। तेजपाल सिंह मुखिया जी सकोती आवे अपने विचार रखे, तेजपाल मुखिया जी सकोती से आवे अपने विचार रखे और इस आंदोलन में एक नई धार दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
हम सब भाजपा के वोटर हैं, वोट देगा वही बना मोदी को। ये भी खबर है, एक काम करने के बाद फिर दूसरा दे बैठे, इसलिए यू काम कर जाओ। किसान तो कह रहे कि ये बिल मेरे लिए फायदे के नहीं है, और इन्हें हर चैनल पर आप देखा हेडलाइन चलवा रखी, नहीं ये बिल तो किसान के फायदे के हैं, जबरदस्ती कर जा भाई, ये न्यूज में भी जबरदस्ती कर जा जनता के साथ में। जब भारत की जनता ये कह रही कि ये कानून मेरे फायदे में नहीं है, और मोदी सरकार कह रही जबरदस्ती नहीं है, तेरे फायदे के हैं, अरे भाई जी हमें पजामे की जरूरत नहीं, धक्का क्यों कर रहा। अरे जब किसानों को इसमें कुछ गलत नजर आ जाए तो किसान आंदोलन कर रहे भाई, किसानों में तो मोदी साहब तो ये समझ रहे, और किसान के पास बिल्कुल दिमाग है ही नहीं, जो तने बना के दे दिया वो ज्यादा बड़ा बना दे दिया, किसान की समझ में कुछ नहीं आ रहा, यू तो बेवकूफ मान रहा मैं कभी बिल्कुल बेवकूफ। इसलिए दोस्तों ये सभी भाई 7 लाख के इस आंदोलन में साथ दें, अगर मोदी साहब नहीं मानना तो लंबा चलेगा आंदोलन, और सभी भाई ज्यादा से ज्यादा चैनल आज ये सांकेतिक धरना यहां से देने के बाद में फिर दिल्ली के लिए कूच करे। बहुत बढ़िया मुखिया जी आपके विचार, अब कृष्ण पाल फोरसमा में अपने विचार रखे हैं, अरे ले आज बाद में तो होते भाई, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर अमराज और सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं इन सरदार भाइयों की मानता मानूंगा, अब जो इन्होंने पंजाब से स्टार्ट करा काम, इन्होंने एक रास्ता दिखाया, अन्य रास्ता सब जाना है यहाँ से, पर किसी को कोई दिखाया गया रास्ता तो गुरु वही माना जाए, जैसे मास्टर पढ़ा गया कि क्या कबूतर है। तो यू तो रहा मामला यू, इब रही बात मोदी योगी और खट्टर, तीनों के तीनों खच्चर हैं, खच्चर योगी ढोंगी और मोदी है मोदी टायर की राड, घस घस का आज नहीं पटा का कदा पट जगह, सब है पटना। और भाई जिसे बुरी लगती हो पहले बता दिया, कुछ मेरे पल्ला खरी है कुछ है खोटी, सारी की सारी अपनी पल्ला तो जानेगा जानेगा नहीं हो रहा, किसी रखनी पड़ा है मैं पर कुछ बताया गया जम्मा, एक मेरे यहाँ किसान का नारा हो गया है अब जय जवान जय किसान, इसका नारा है सीमा पर मरा जवान बर्बाद हो किसान, और योगी तू आ जा देश विदेश में मान, इसका एक हट धर्मी नारा ही हो रहा है इसके दिमाग में। और रही बात या भाई अच्छा इसके दिमाग में यह बात है, रही बात इसके हट धर्मी की, हट तो अच्छे अच्छे गए थे रावण सार के चले गए, यू भी चले जा रहे 2013 में जो हमारे यहाँ थोड़ा दंगा आया था, इनने दिमाग में जुमला ठोक दिया था एक, और यू ठोक दिया था छोटी जनता बड़ी जनता हिंदू भाई सब एक डब्बा होकर नुए गया था, कहने लग रहा है इनका इरफान नरका ढंग बैठा दे शायद मोदी, देख मेरी बात पूरी लगेंगी, यह दिमाग में आएगी थी कि इरफान नरका ढंग बैठा होगा, यू ये तो ये कब्रिस्तान चले जाएंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे, मुझे नु बता दो आज लोग दुनिया में कौन पैदा हुआ किसने किसका ढंग बैठाया, यह जनता है यही ढंग बैठा सके सबका, आज बैठा लो चक्कर बैठा लो, ये तो कानून माना जा और नहीं मानने जाओगे चाहिए तुमका मेला थोड़े एक बारह साल मावे 5 साल मावे वो डाल बैठा दियो ढंग, कोई ना कोई चौधरी चरण सिंह सर छोटू राम फिर पैदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है इसके दादा लाई है यू ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यार एक आज प्रण लेगा उठो या तो यू हमारा काम करे, अन्य आने वाली योजना में हम इसका काम करेंगे। एक बार दूसरी बात बिजली का जैसा कह रहे हम तंग हो गए, नूनी केला निर्वाल जाएगा बिजली वाले को पीट देगा ना केला कृष्ण पाल पीटता है, इस तारीख से बाद में इस मांग से बाद में एक बार ही नहीं अभी ले लो शामली जाएगा के बात ही
सरे जा नहीं सकते हम। इन्ने सरकार ने कोई तो कह रहा मैं थाने तेरे तेल घेर दूंगा, तेल इन्ने मारा के रखा, फिलहाल मानने की बात है। रही बात दूसरी यार, अब मैं तो जो भी काम करना आज मारे माँ हुआ है बोल रहे, उस पर आज है वो बोल रहा, कल को हम चले जाऊं कोई कोई और संभालेगा, उस सदा तो यहाँ कुछ रहनेगा नहीं। तीसरा इसका फंडा एक चल रहा, जो मरे सरदार भाई देख मारे बस का तो विदेश में जाना है नहीं, न मारे पर फेंकने न हम जैसे, पर ये सरदार भाई जुगाड़ करके चले जा, अगर बनता समर्थन मिल जा मोदी को तो समर्थन मिल जा, राष्ट्रपति था वही जो उनका है अमरीका का ट्रंप, ट्रंप का ट्रंप तो मंत्र का जा कर लेगा भाई बहुत बढ़िया मोदी, तो सारी मीडिया हा हा मजा आएगा, मोदी नंबर एक हो गया। और जो मंत्र हमारे किसान भाइयों ने समर्थन कर दिया कल ने भाई विदेश में बैठे कुछ लोग फंड दे रहे इन्होंने, ये भी ड्रो कर रहे, पड़ोसी तो पड़ोसी का चढ़ागा, आज निर्वाल को मकान बना लो चुनाव लड़ते जीत लो। यूपी खबर पर लाइव देख रहे हैं, एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, किसान उद्योग प्रबंधन जयसल्ला एसडीएम मौके पर पहुंच गए, एसडीएम मनीर अरोड़ा पहुंच चुके हैं। उन्होंने साथ आज कह दिया देंगे, जो मैं पहले तो बोल देते कि उन्होंने उकसा दिए, और हम बड़ी बुद्धि से उठ गए कल गए थे, इन्होंने साथ दे रहे भाई, इन्होंने भी साथ दिया होगा किसी का, कभी हुई नहीं बात ये। अगर हम चाहें इस बार कुछ खोपड़ी को थोड़ा सोचा समझा, और जो हेडलाइन चले ना उनकी पढ़े हैं, देखो केंद्रीय मंत्री बोल रहा था तड़की थी इधर, बस वो आ रहा है बात हो रहा। मौके पर एसडीएम मनी अरोड़ा पहुंच चुकी हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा। मनी अरोड़ा एसडीएम पहुंच चुकी हैं बिलोली चेक पोस्ट, जहाँ पर दिशा नगर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर पहुंच चुके हैं मनी अरोड़ा एसडीएम। तहसीलदार एसडीएम मनी अरोड़ा मौके पर पहुंच चुके हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, दिशा नगर धरना प्रदर्शन पर लाइव तस्वीर, मनी अरोड़ा एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, किसान उलाय दर्पण है। तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, एसडीएम मनी अरोड़ा किसानों के दर्पण जो चक्का जाम किया हुआ है इसमें पहुंच चुके हैं। मेरठ करनाल हाईवे जाम क्या हुआ है किसानों ने चक्का जाम क्या हुआ वहाँ पर, मौके पर एसडीएम मनी अरोड़ा उन एसडीएम पहुँच चुके हैं मौके पर, सुरक्षा का जायजा लेने पहुँच चुके हैं मनी अरोड़ा। लाइव तस्वीर आप बिडोली की देख रहे हैं, जहां पर एसडीएम मनी अरोड़ा धरना प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, साथ में तहसीलदार भी हैं, पुलिस फोर्स चौकी इंचार्ज बिडोली भी मौजूद हैं। मनी अरोड़ा एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, तू वो तो कर।
लाइव तस्वीरें बिटोली से देख रहे हैं, जब चक्का जाम चला हुआ है, किसानों को मनीरो मौके पर पहुंचे थे लेकिन फिलहाल गाड़ी में बैठकर शायद दूसरे धरना प्रदर्शन के लिए जा रही है। ज्यादा लेने के लिए कानून व्यवस्था किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का मद्देनजर देखने आई थी। मनी अरोरा स्टेम एच डी एम आई थी सुरक्षा के व्यवस्था के लिए जो वापस जा रही है। मनी अरोरा एच डी एम मनी अरोरा ऊन मोदी सोदी टक दिया, मोदी सोदी भोड़ गोटा बोले सोनी हो अपन जी में पता ही है के जैसे हमें पता ही है कि एक छोटी सी चिंगारी जो तीन काले कानून सरकार ने पास किए, एक छोटी सी चिंगारी पंजाब में लगी थी और उन्हें सरकार को क्या एक मन में वहम था कि कुछ किसान कुछ दिन पहले तमिलनाडु के दिल्ली में आंदोलन करके चले गए थे। इसी तरह छोटे मोटे आंदोलन और भी चले लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गई। इन्हां दे दिलां च इहो भुलेखा सी, इनके मन में यही वहम था कि ये भी ऐसे अपने दो दिन नारे शारे लगा के पंजाब वाले बैठ जाएंगे भाई और अपने घरों को चले जाएंगे। एक छोटी सी चिंगारी भड़की पंजाब से, हमें इस करके ये महसूस नहीं हुई क्योंकि हरियाणा में और एक पंजाब दो राज्य हैं जहां पे एमएसपी लागू है, यूपी में है नहीं, और भी राज्य हैं जहां पे है नहीं जिनके बुरे हाल है। हमें इस करके महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा जीरी गेहूं सारा करनाल बिकता है ना हरियाणा में, इस करके हमें पता नहीं था। पर अब पता लगी जब स्पष्ट बात खुल के सबके सामने आई कि ये तो सरकार है जो हमारे हाथ में कटोरा दे देगी। लेकिन अभी बात नहीं बनी, अभी तो पंजाब हरियाणा और यहां से भी यूपी से भी काफी किसान गए हैं। अभी धीरे धीरे जब जब चार चौ तरफ के किसान आ गए हैं वहां पे, लेकिन बात तब बनेगी क्योंकि इस वक्त दिल्ली की गर्दन यहां से पकड़ लिया, यहां से कि कहने धौड़ से गोडा रखता दिल्ली दी, पर अब दबाव आंखें बाहर आने को हो गई है दिल्ली की, पर उसकी जान कब निकलेगी जब उसके ऊपर वजन आवेगा, वजन, और वजन कौन रखेगा, हम लोग रखेंगे वजन। जब एक गांव से 10-10 ट्रॉलियां भर के जाएंगी ना, फतेह काम अब भी है, किसी चीज की कमी नहीं वहां पे, कोई मरने से पीछे नहीं हट रहा और कोई वहां से लंगर लगाने से पीछे नहीं हट रहा। और एक मजे की बात, वहां हम जाके आए हैं दिल्ली में, एक मजे की बात और ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में आतंकवाद का खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है। जब हम अपने फौजी भाइयों का, हम अपने भाइयों को बेटों को हमारी माएं सरहद पर लड़ने के लिए भेजती हैं, जब हमारे खेत हम खेतों में अपनी खेती के लिए, जब हमारे बच्चे सरहद पर लड़ने के लिए जाते हैं इस देश की रक्षा के लिए, उस वक्त हम शहीद। अभी अपना तस्वीरें यूपी खबर पर बिडोली की देख रहे हैं, सामने की बिडोली के आपको झंझाना की तस्वीरें दिखाएंगे। जब इस देश पर कोई आपदा आती है, अगले पार्ट में आप झंझाना से देखेंगे जहां झंझाना में 10% चला है, जहां जक्का जम चला है, कट्ठे होके वहां पे चार तरफे लंगर लगाते हैं, हर तरह की सुविधा देते हैं, उस टाइम तो हम अन्नदाता है, उस टाइम हम अन्नदाता है। लेकिन जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं, जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है, ये तो खालिस्तान मांगते हैं, ये आतंकवादी है। यहां पे कोई आतंकवादी, हमें कुछ नहीं चाहिए खालिस्तान, हमें हम किसी चीज की मांग नहीं करते, हम तो हम हमारे हक चाहिए। और आज तक हम हक के लिए लड़ते आए हैं। ये वो महीना है, आपको याद होगा, ये वो महीना है, शायद मेरे भाइयों ने हिंदू भाइयों ने ये इतिहास नहीं सुना होगा। इन दिनों में
जुल्म की हुकूमत को रोकने के लिए धन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना सारा परिवार मारा था। ये वो ही महीना है। सब श्री अकाल। और अब भी हम अपना परिवार वारने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें हक के लिए लड़ना पड़ेगा हम मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें हक चाहिए, हमें कोई खालिस्तान गुलिस्तान में और किसी चीज का हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे बच्चे हम सब अपने आपस में हम सब मिलके रहेंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और एक भाइयों और बात सुनो मेरी, खेती और बेटी हमें बचानी है। सरकार के बस का काम नहीं रहा, सरकार के बस का काम नहीं रहा। ये चीज हमें बचाना है सब कुछ। हम आसुमीन लेके वहां पहुंचे हैं दिल्ली पे कि ये मान जाएंगे और मानेंगे भी, पर किससे? एकता से। इतने बड़े बैरिकेटर तोड़ दिए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।